नमस्कार, स्वागत है आपका सुरार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर बीजापुर से, जहां पर नक्सल विचारधारा को छोड़ नेशनल पार्क एरिया और आबुशमाड नारायणपुर इलाके में सक्रिय माओवादियों ने बीजापुर एसपी दिव्यांग पटेल के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में से दो नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित 6 नक्सलियों पर कुल 19 लाख का इनाम घोषित था, जिसमें दिलीप वड्डे पर सबसे ज्यादा 8 लाख रुपए का इनाम था। परेशान है, घूमना खाना पीना सोने का सभी देख के हम लोग छत्तीसगढ़ शासन में जुड़ना चाहते थे, इसलिए वहाँ से नहीं कराए। परेशान वजह से हम लोग इसी साल 2019 में आके एस पी के साथ हम लोग आत्मसमर्पण करने के लिए आए। टोटल 6 लोगों ने आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ये लोग काफ़ी समय से माड़ में एक्टिव थे, काफ़ी सारी घटनाओं में नारायणपुर और माड़ एरिया की काफ़ी सारी घटनाओं में इनका नाम शामिल है। नारायणपुर के नक्सल सिनारियों प्लस घटनाओं के लिस्ट में इन लोगों काफ़ी नाम उसमें खुला हुआ है।